सभापति महोदय, मांग संख्या 27-28 पर मुझे अपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभापति महोदय, अत्यंत हर्ष की इस अवसर पर प्रदेश में निशुल्क यूनिवर्सल केयर हेल्थ केयर उपलब्ध कराने वाले देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में 1,38,00,000 परिवारों को लगभग 3,700 करोड़ से जो निशुल्क सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, वो एक सराहनीय कदम है। इसी तरीके से जो चिरंजीवी में 10,00,000 से बढ़ाकर 25,00,000 करने का जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, उसके लिए मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को बधाई देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक मेरे विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, मैं सदन में आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पिछले वर्ष सैटेलाइट हॉस्पिटल का घोषणा हुई थी, उसकी जमीन आवंटन हो चुका है, उसका टेंडर हो चुका है, अवार्ड हो चुका है। मेरा आपसे आग्रह है कि सक्षम स्तर पर बात कर उसका शिलान्यास जल्दी से जल्दी कराया जाए। इसी तरीके से मेरे यहाँ जिस तरीके से पिछले बजट में रामगंज जच्चा खाना को आपने आरजी तौर पर सैटेलाइट हॉस्पिटल चलाने के लिए परमिशन दी, उसमें तकरीबन जो सैटेलाइट से पहले जो ओपीडी थी वो तकरीबन 150 से 200 थी, लेकिन चूंकि आपने बहुत ही मन से मदद कर पिछले वर्ष हमें डॉक्टर्स लगाए, 13 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई और आज उस हॉस्पिटल की ओपीडी 750 से 850 प्रतिदिन हो गई, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपने डिमांड में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वार्ड 73 जो पुराना हमारा हेरिटेज का वार्ड है, उसके अंदर एक डिस्पेंसरी सिटी डिस्पेंसरी के नाम से सेंक्शन है, लेकिन वो कागजों में कहीं और चल रही है। मैंने नगर निगम से बात कर एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो भवन है उसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है। मेरा आपसे आग्रह है कि उस जगह चाहे सरकार उसमें पैसा ना दे, मैं विधायक कोटे से अपना पैसा देकर वो बिल्डिंग का भवन बनाने के लिए आपको सहमति देता हूँ, लेकिन इस काम को जल्दी से जल्दी मेरे क्षेत्र में शुरू कराया जाए। इसी क्रम में जयपुर शहर में NUHM की लगभग 25 स्वास्थ्य केंद्र, जिन चिकित्सा स्वास्थ्य को पता पदस्थापित हैं, परंतु समस्त केंद्रों पर GNM, ANM, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट आदि सपोर्टिंग स्टाफ की कमी है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि सपोर्टिंग स्टाफ के लिए आप जल्दी से जल्दी प्रबंध कराएं। इसी तरीके से मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो रामगंज जच्चा खाना है उसका जो पुराना भाग है, मैंने निवेदन किया था, उसमें 5 करोड़ रुपए का एक नया भवन की जो स्वीकृति दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद। कोरोना के समय राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचना के निर्माण, ऑक्सीजन प्रबंधन इत्यादि के पश्चात कोविड पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस पर ध्यान रखते हुए जिस तरीके से RUHS के अधीन सेंटर फॉर कोविड रिहेबिलिटेशन का काम किया गया है, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र में आप लोग जानते हैं कि बहुत गंभीर कोविड की स्थिति थी, वहाँ एक मोती कटला डिस्पेंसरी के नाम से एक पुराना भवन है, उसके अंदर हम एक नया बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने विधायक कोटे से 2,91,00,000 रुपए की एक स्वीकृति दी है, उसका टेंडर जारी होना है। लेकिन मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि वहाँ पर एक जो जिस तरीके से हमने यहाँ मदर एंड केयर हॉस्पिटल जिस तरीके से सेंटर जो चालू होता है, उसके साथ में एक मोती कटला में एक रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए एक छोटा सेंटर खोला जाए, ताकि वहाँ के लोगों को, क्योंकि हम एक बहुत बड़े व्यापार पैमाने पर RUHS में ये फैसिलिटी शुरू करने जा रहे हैं, बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, लेकिन मेरा एक आग्रह है कि एक छोटा रेस्पिरेटरी डिजीज सेंटर इस इलाके में अगर बना दिया जाए,
क्योंकि यहाँ गंभीर कोरोना की दौर से लोग गुजर चुके हैं, वहाँ इसकी सख्त आवश्यकता है। बहुत कुछ ज़्यादा कहने की नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि जो लोग आज हमारी सरकार की बातें करते हैं और जिन लोगों को ये पता नहीं है कि 2019 से पहले राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ थी और आज कहाँ हैं, जो लोग आज इसकी बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 19 के बाद में जहाँ हमारा पीएससी में इजाफा हुआ है वो 19% हुआ है। हमारे यहाँ 2019 से पहले 1890 पीएससी थी, आज 2265 है। इसी तरह सीएससी हमारे यहाँ 554 थी, अब 760 है। इस सारे सेक्टर्स में, चाहे सब सेंटर हो, ट्रॉमा सेंटर हो, सब जगह हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना इजाफा किया कि आज राजस्थान मॉडल पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहते हुए अंत में मंत्री जी से एक आग्रह करूँगा कि जिस तरीके से हम चिरंजीवी में जो स्टंट्स दे रहे हैं, जो स्टंट्स लगा रहे हैं चिरंजीवी के तहत, उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है, उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी स्टंट्स जो हॉस्पिटल चिरंजीवी योजना में लगा रहे हैं, उनकी न तो अमेरिकन स्टैंडर्ड पे है, न यूरोपियन स्टैंडर्ड पे है, वो हमारे यहाँ के स्टैंडर्ड पे है। इससे मरीजों को अचानक से तकलीफ होती है तो, और उसका पता भी नहीं चलता। इसके अंदर मेरा आपसे आग्रह है, तमाम अधिकारीगण भी बैठे हैं, मंत्री जी भी बैठे हैं, कि इस पे एक बार पुनर्विचार करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे फायदा हो, इसके लिए विचार करें। आपने बोलने का मौका दिया और अंत में जिस तरीके से कल ही 1765 मेडिकल ऑफिसर्स की सरकार ने नियुक्ति करी है, उसके लिए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री और तमाम लोग को बधाई कि एक राजस्थान का इतिहास हम रचने जा रहे हैं मेडिकल सेंटर में, मेडिकल सेक्टर में, और आने वाला समय राजस्थान के लिए बहुत उज्ज्वल है मेडिकल सेक्टर का। दुनिया आज राजस्थान के मेडिकल सेक्टर के इसको देखते हैं और पूरे हिंदुस्तान के जो राज्य हैं वो ये देखते हैं कि राजस्थान में मेडिकल में ऐसा क्या हुआ। अभी जिस तरीके से हमारे यहाँ एक अधिवेशन हुआ, अधिवेशन में पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ कांग्रेस के आए और उन्होंने देखा कि राजस्थान में किस तरीके से मेडिकल सेक्टर पे हमारे मुख्यमंत्री जी और सरकार के लोग काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति ने उसकी सराहनीय बताया और हर व्यक्ति ने ये कहा कि हम कई जगह विपक्ष में हैं, लेकिन यहाँ से जो लोग गए, जो हमारे अधिवेशन से प्रेरणा लेके गए, जो हमारा एक सेंटर वहाँ बना था, उसकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे लोग। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि मेडिकल सेक्टर में जो आज हमने नए आयाम स्थापित किए, उसके लिए मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री और साथी बहुत बहुत उसके मुबारकबाद हैं, उसके मुस्तैक हैं। बहुत बहुत मुबारक, जय हिंद, जय कांग्रेस। नरपत सिंह राजवी।